एक लेडी थी जिसके पास कोई ज्यादा पैसे नहीं थे, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, पेंशन के पैसों से जीवन बिता रही थी। तब एक घटना घटी, उसके घर के बाहर एक लड़का आया, दरवाजा खटखटाया। वो देखती है वो 14-15 साल का एक लड़का जो सेल्समैन था और अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आया था। ये लेडी के पास उतने पैसे नहीं थे तो उसने कह दिया कि देख बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुझे गलत उम्मीद नहीं दूंगी, मैं तेरी चीज वस्तुएं खरीद नहीं पाऊंगी, पर 2 मिनट तो मेरे घर में आ। वो घर में बिठाती है और किचन में जाती है और दूध का एक ग्लास लेके आती है और कहती कि बेटा, मुझे लगता है कि तू बहुत भूखा है, बहुत प्यासा है, मैं तेरी और कोई मदद नहीं कर सकती, बट एक ये दूध का ग्लास तुझे दे सकती हूँ जिससे तेरी भूख और प्यास दोनों मिट जाएगी। बच्चा दूध का ग्लास पीता है, थैंक यू कह के चला जाता है। इस घटना को और 15 साल बीतते हैं। अब तो ये लेडी बहुत बुजुर्ग हो चुकी है और एक दिन उनको हार्ट अटैक आता है। आस पड़ोस वाले उनको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और जब उनके ऊपर सर्जरी होती है, बाद में वो ठीक होके अपनी आंखें खोलती है, तब उनको पता चलता है कि उनके ऊपर तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी सर्जरी हो चुकी है और जिसका लाखों का बिल बन चुका है। इस लेडी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, वो रोने लगती है कि हे भगवान, मुझे क्यों बचाया, अब मैं ये बिल कहां से पे करूंगी, मैं ये पैसा कैसे दूंगी। और 2-3 दिन वहां पे वो इतनी उदासी के साथ बिताती है, वो सोचती है मैं किसकी मदद मांगू। आखिर में उसका डिस्चार्ज का डे आता है। अभी भी उसको कुछ नहीं सूझ रहा, बिकॉज उसके कुछ ज्यादा रिलेटिव नहीं थे, ऐसे कोई लोग नहीं थे जो उसकी मदद कर पाए। वो भारी भारी कदमों से चलते हुए रिसेप्शन के काउंटर पे पहुंचती है, सोचती है मैं उससे क्या बात करूंगी। वो कहती है मेरा बिल दिखाइए, वो बिल देते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए का उसका बिल आया है। वो बिल देखती है पर उनको ताज्जुब होता है क्योंकि उस बिल के नीचे लिखा था ऑलरेडी पेड एंड उसके नीचे लिखा था थैंक यू फॉर द ग्लास ऑफ मिल्क। यानी वो लड़का जिसको उन्होंने एक दूध का ग्लास दिया, दोस्तों आज वो बड़ा होके एक डॉक्टर बन चुका है। और उसी की हॉस्पिटल में ये लेडी आती है और वो देखता है कि ओ माय गॉड, ये तो वही लेडी जब मैं कुछ नहीं था और उन्होंने मुझे दूध का ग्लास दिया था, आज ये ऋण चुकाने का मौका मिला है, क्यों ना मैं अपना ऋण चुकाऊं, क्यों ना इनका बिल मैं ही भर दूं। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप अच्छे काम करते हैं दुनिया गोल है, जो अच्छे काम भेजे हैं सब लौट के वापस आते ही है। बट अच्छी बात क्या है कि कुदरत इतनी मेहरबान है हम पे कि जब हम कुछ छोड़ते हैं उससे कई गुना बढ़ के ये लाइफ में वापस आती है। हम हमेशा पूरी जिंदगी लगे रहते हैं दुनिया को इम्प्रेस करने में, बट अगर सही में इम्प्रेस करना है ना तो उस ऊपर वाले को कीजिए। आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों ना हो, ये दुनिया सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखती है एंड आपका ये प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये ऊपर वाला तो सिर्फ आपका इंटेंशन ही देखता है। तो ये सद्भावना की शुरुआत आज से ही की जाए। मैं तो कहती हूँ दुनिया में खुशियां फैलाई जाए, क्योंकि अगर आप औरों के जीवन में खुशियां फैलाना भी शुरू करोगे तो वही खुशियां मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में वापस आएगी। भगवत गीता में बहुत ही सुंदर कहा गया है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर दुखी है तो तुम लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते, अगर औरों को खुशियां बांटोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियां अपने आप आएगी। और मैं तो कहती हूँ आज के इस दुनिया में किसी के चेहरे पे स्माइल ले आना वो भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक काम है। कहते हैं एक उदास चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए और अगर उसकी वजह तुम हो तो समझ लेना इस दुनिया का सबसे धनवान इंसान।